नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जनपद जौनपुर में लॉकडाउन के उल्लंघन में 150 लोगों को किया गया क्वारंटाइन में। गुरुवार को पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर अनावश्यक रूप से टहलते मिले करीब 150 लोगों को हिरासत में लेकर पूरे दिन क्वारंटाइन में रखा। देर शाम मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद सभी को छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई से लॉकडाउन के दौरान तफरी करने वालों के हाथ पांव खुल गए। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सुबह लॉकडाउन का जायजा लेने निकले। पुलिस को आदेश दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पकड़कर क्वारंटाइन में भेजें। उनके साथ CDO अनुपम शुक्ला, ADM विश्राम प्रकाश, CRO डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, SPCT डॉक्टर संजय कुमार, ADM सदर नीतीश कुमार आदि रहे। फरमान जारी होते ही COCT सुशील कुमार सिंह सदर कोतवाल पवन कुमार उपाध्याय ने फोर्स के साथ चेकिंग में कोतवाली क्षेत्र के जगह जगह से 120 लोगों को हिरासत में लेकर सिया कॉलेज में क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। इसी क्रम में थाना प्रभारी लाइन बजा दिनेश प्रकाश पांडे और उनके सहयोगियों ने लाइन बजा चौराहा, मुरादगंज, नईगंज, सिहीपुर, वाजिदपुर, तिराहा आदि जगहों से 18 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर एक दिन की क्वारंटाइन को भेजा। COCT सुशील कुमार सिंह ने बताया कि क्वारंटाइन में रखे जाने के दौरान सभी को भोजन कराया गया है। देर शाम मुकदमा दर्ज कर सभी को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। CEO किराकत अजय कुमार श्रीवास्तव कोतवाल बिंद कुमार ने चेहरे पर बिना मास्क लगाए घूम रहे 11 व्यक्तियों को दिन भर के क्वारंटाइन में भेज दिया। खेतासराय में थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने सागंज के SDM राजेश वर्मा, CEO जितेंद्र दुबे के निर्देश पर नगर में विभिन्न स्थानों पर भीड़ लगाकर सब्जी बेच रहे लोगों को खदेड़ दिया। बिना वजह टहल रहे कई युवकों को ठग बैठक कराई। वहीं मछलीशहर क्षेत्र में भी कड़ी कार्रवाई की गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडे और उनके सहयोगियों ने नगर पैदल भ्रमण कर दुकानदारों से लॉकडाउन लगा को शारीरिक दूरी पालन कराने के निर्देश दिया। सामान खरीदना हो तो बगल की घर के पास वाली दुकान पर जाओ, वहां से खरीद लो। रमजान के महीने में पूरा महीना हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि बिजली पानी की दिक्कत रात में ना हो, क्योंकि आपकी 6 बजे जब अफ्तारी होगी उसके बाद खाना ना बनता है, फिर आप लोग सुबह 3 बजे पहले सहरी वहरी करते 4 बजे पहले, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। देने वाले हम भेजेंगे, सब सामान खरीदू सब होगा, सब खरीदो उससे कहीं तो कठिनाई नहीं। जो कप्तान साहब लो भाई आपने बता दो सब कोई दिक्कत नहीं होगी, सब ने बता दिया आपको और आप लोग अपने घरों में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और अगर कोई आपका सुझाव हो वो भी आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। नंबर भी DM साहब ने जगह जगह भेज रखे हैं, कोई बात होती है तो बता दीजिएगा। अच्छा आप बताओ, अगर आपको बैंक से पैसे निकालना हो तो क्या करो? बैंक जाओगे? अगर बैंक जाने का मन ना हो तो क्या करो? राजा की तरह अपने घर पे पैसा मिल जाए तो कैसा लगे? मोबाइल से कैसे निकालोगे? कैसे मोबाइल में तो नोट निकलेगा नहीं, इससे नोट इधर से उधर हो जाएगा, निकलेगा ना? कैसे, क्या तरीका है, कोई बताया किसी ने आपको? पोस्ट ऑफिस का नहीं बताया? पोस्ट ऑफिस वाले ने दे जाएंगे आपको, नंबर तो दे रखा है, DM साहब सभी को नंबर दे रखा है। नंबर 94308816 ये फोन नंबर मिलाओ और पोस्टमैन आपके घर आएगा। जैसे आप अभी फोन मिलाओगे रात में नहीं, 94 लिख ले लो, 94308816 9430800116 ये नंबर मिलाओ तो पोस्ट मास्टर साहब उठाएंगे और आप डाक को भेजेंगे और पोस्टमैन को आपके यहाँ भेजेंगे। पोस्टमैन आपके घर में आएगा और 10,000 रुपए तक का आपका बैंक का खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में का खाता हो चाहे किसी बैंक में हो, और 10,000 रुपए तक घर में निकाल के लेके जाएगा। आपको जाना ही नहीं कहीं, राजा की तरह घर में रहो, पैसा घर में मिलेगा। नंबर आपको लगता है नोट कर लिया होगा, 94308816 इस नंबर को व्हाट्सएप से आप लोग सबको बता दीजिए। बैंक जो महिला जा रही ना जा करते फोन करके ही बुला लो, पोस्ट बॉय आएगा पैसा निकाल के लेके जाएगा। लाइन में भूत क्यों लग रहा है? ये नंबर नोट कर लो, 9430800116 एक डेढ़ घंटे के अंदर पोस्टमैन आपके घर के आना होगा।
चार कर दिया, चलिए ले जाइए इनको, कोतवाली ले जाइए, नहीं चलिए हम कोई मरीज नहीं, आप चलिए इनको ले जाइए, इनको ले जाओ। समझ नहीं आता, मोहल्ले में हर चीज मिल रही, इधर मोटरसाइकिल चले जा रहे हैं, हर चीज मिल रही मोहल्ले में, इनको ले जाइए और हवालात में डाल जाइए, सब चलिए, हर चीज की दुकान हर मोहल्ले में। चलो पूरे दिन हवाला, इसको ले लो भाई, यार दो महीने चलो, ले हवाला आप, आपका परिवार सब बीमारी में पड़ गया, आप गए किसी ऐसे आदमी को छू लिया जिसको कोरोना था, तो पता लगा कि आप अपने घर में बीमारी गया, इसलिए मना किया जा रहा घर से मत निकलो बाहर, सब्जी फल ये सब आपके घर के सामने दरवाजों पर आ रहा है जिला वाला, तो महिलाएं कहां जा रही हैं, पूछे कहां जा रही हैं, हर सामान आपके दरवाजे पर मिला तो क्यों निकल रहे बाहर, ये महिलाएं देखे फालतू में घूमने निकल पड़े, बीमारी खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, बीमारी खरीदने जा रहे हैं, गिनती है आप सबसे घरों के बाहर ना निकलो, और नहीं तो हम मुकदमा कायम करेंगे लॉकडाउन का उल्लंघन में, अगर मोहल्ले के बाहर चले गए घर के बाहर। इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो YouTube पे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना।